subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुक्सा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से मजीद 9 अफराद जान बहक, एक ही दिन में अमवात की मजमूई तादाद 6,977 तक पहुंच गई। मरीजों की तादाद 3,44,839 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,650 नए मरीज सामने आए। इमरान खान और उनके साथी जब मुंह खोलते हैं तो गलाजत टपकती है। मरियम नवाज कहती हैं मुल्क को लाहिक बीमारी का नाम इमरान खान और पीटीआई है। आवाम के मसाइल का वाहिद हल मुस्लिम लीग नून है। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का 143वां यौम पैदाइश, मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। मुख्तलिफ कारहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शार मशरिक़ के मज़ार पर फातह ख्वानी करने आते रहे। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब में स्टेशन कमांडर कमोडोर मोहम्मद नेमतुल्ला ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। शादी हॉल एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के सदर कहते हैं शादी हॉल्स को सील करने का अमल बिला जवाज है। कोरोना एसओपीज पर अमल करने के बावजूद हमें हरासा किया जाता है। नेपरा ने बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा आलामिया के मुताबिक सार्फीन से इजाफी वसूली नवंबर के बिल की मद में ली जाएगी। तहम फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फीन पर नहीं होगा। Greenish hand sanitizer, Ala clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। कोरोना से मजीद 9 अफराद जान बहक, एक ही दिन में अमवात की मजमूई तादाद 6,977 तक पहुंच गई। मरीजों की तादाद 3,44,839 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,650 नए मरीज सामने आए। कोरोना केसेस बढ़ने लगे। एनसीओसी के जारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 अमवात हुई। जाबहक अफराद की मजमूई तादाद 6,977 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,650 नए मरीज सामने आए। मरीजों की तादाद 3,44,839 तक जा पहुंची। एनसीओसी के मुताबिक 972 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। 3,17,898 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,50,169, खैबर पख्तूनख्वा 40,657, पंजाब में 1,06,922, इस्लामाबाद 21,861, बलोचिस्तान में 16,106 और आज़ाद कश्मीर में 4,758 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,366 हो गई है। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,340 जबकि मुल्क भर में 47,09,603 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। इलावा अजी पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र इस्लामाबाद के 5 सेक्टर सील कर दिए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत का जहाज डूब रहा है जिसमें अब कोई सवार नहीं होगा बल्कि इससे छलांग लगाएगा। इमरान खान का नाम लेना तक पसंद नहीं, वो छोटा आदमी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गोपिस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जलसे से खिताब में कहा कि यह इज्तिमा बता रहा है गिलगित बल्तिस्तान में शेर आएगा, क्योंकि इस हुकूमत को कभी हुकूमत नहीं समझा। ये जाली हुकूमत है जिसके नसीब में आवाम की इज्जत करना लिखा ही नहीं। इससे दरख्वास्त करने का क्या फ़ायदा? अगर आपको आपका हक नहीं दिया जा रहा तो आने वाले इलेक्शन में शेर को वोट दो और अपने हकूक के साथ जियो। मरियम नवाज ने कहा कि इस वादी को देखकर जन्नत का ख्याल आता है, लेकिन जाली हुकूमत
गुपिस के फंड्स रोककर बैठी है। दियामर और भाषा डैम पर नवाज शरीफ ने जो काम किया आज तक किसी ने नहीं किया। पता चला है वहाँ जो नौकरियाँ निकली हैं उसमें यहाँ के आवाम को हिस्सा और मुआवजा नहीं दिया जा रहा। नून लीगी अरकान ये मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे और मैं भी दियामर भाषा डैम के मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाऊंगी कि ये जो भाषा डैम माशाल्लाह यहाँ सॉरी दियामर भाषा डैम जो यहाँ बन रहा है इसमें बहुत सारे खानदान और बहुत सारे घर बहुत सारी आबादियां मुतासिर हुई हैं और मुझे ये भी पता है कि आपको अच्छे से उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये मुआवजा आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था लड़ाई तुमसे नहीं है, इमरान खान का नाम लेते हुए तकलीफ होती है, इसका नाम भी लेना गवारा नहीं करती, लेकिन मजबूरन आवाम के मुजरिम इमरान खान का नाम लेना पड़ता है। वो छोटा आदमी है लेकिन जब इलाज मकसूद हो तो बीमारी का नाम लेना पड़ता है। पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो जोड़ तोड़ कर बनाई गई है। मुल्क में कोरोना जैसी ये बीमारी 2018 में ही आ गई थी। ये बीमारी मास्क पहनने से नहीं जाएगी बल्कि इसे उठाकर बाहर फेंकने से ही जाएगी क्योंकि इस बीमारी ने मुल्की इदारों की जड़ों मईशत इखलाक और विफाक की इकाइयों को खोखला कर दिया है। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 143वां यौम पैदाइश इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उनके मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्कित हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने 9 नवंबर 1877 को इकबाल मंजिल में आंख खोली, बचपन उस आंगन में गुजारा। इकबाल मंजिल की दरो दीवार से उनकी यादें वाबस्ता हैं। अल्लामा इकबाल के जेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया और उनकी लिखी तसानीफ इकबाल मंजिल की जीनत बनी हुई हैं। 100 साल कदीमी ये कौमी वरसा तारीख समोए अपनी अहमियत उजागर करता है। मजार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब में स्टेशन कमांडर कोमोडोर मोहम्मद नेमतुल्ला ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की जबकि पाक बहरिया के चाको पाबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मुख्तलिफ कारहाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शायर मशरिक के मजार पर फातिहा खानी करने आते रहे। दुनिया भर से आए सयाह इकबाल मंजिल में आकर इकबाल की जेरे इस्तेमाल अशिया देख कर रूहानी सुकून हासिल करते हैं। शादी हॉल एसोसिएशन ने 20 नवंबर से शादी हॉल बंद करने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के सदर ने शहर में मुख्तलिफ शादी हॉल्स को सील करने के अमल को भी अफसोसनाक करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शादी हॉल एसोसिएशन ने 20 नवंबर से शादी हॉल बंद करने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। शादी हॉल एसोसिएशन के सदर राना रईस का कहना है कि शादी हॉल मालकान को बिला जवाज तंग किया जा रहा है। कोरोना SOPs पर अमल करने के बावजूद हमें हिरासा किया जाता है। उन्होंने शहर में मुख्तलिफ शादी हॉल्स को सील करने के अमल को भी अफसोसनाक करार देते हुए उसकी शदीद मजम्मत की। राना रईस का कहना है कि इंतजामिया अफवाहों पर कान धरने के बजाय हकायक का जायजा ले। शादी हॉल मालकान 10 बजते ही हॉल की लाइट्स बंद कर देते हैं। वक्त की पाबंदी के मामले पर किसी की सिफारिश को कबूल नहीं किया जा रहा है। शादी हॉल्स के मरकजी दरवाजों पर मास्क और सैनिटाइजर मौजूद होता है। तमाम SOPs पर अमल के बावजूद शादी हॉल सील करना बिला जवाज है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेप्रा ने एक माह के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक माह के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेप्रा की जानिब से जारी ऐलामिया के मुताबिक बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है और ये इजाफा अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगस्त में बिजली की फी यूनिट पैदावार पर फ्यूल लागत 3.68 रुपए रही जबकि अगस्त में बिजली की पेश की फ्यूल लागत 3.20 रुपए फी यूनिट मुकर्रर थी। नेप्रा ऐलामिया के मुताबिक सार्फीन से इजाफी वसूली नवम्बर के बिल की मद में ली जाएगी ताहम फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फीन पर नहीं होगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।